नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पीएफ ई केवाईसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, पीएफ ई केवाईसी करने के पहले हमें हमारा यूएन नंबर एक्टिवेट करना होता है। तो दोस्तों, अगर आपका यूएन नंबर अभी तक एक्टिवेट नहीं है तो उसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाकर रखा है। अगर आपको चाहिए तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डालकर रख देंगे, आप उसके थ्रू जाकर आपका यूएन नंबर एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका यूएन नंबर एक्टिवेट हो चुका है तो आप अपना पीएफ ई केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पीएफ ई केवाईसी ऑनलाइन जाकर हम कैसे कर सकते हैं, जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते दोस्तों वीडियो की तरफ। उसके लिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों ईपीएफ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक हम ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट का मेन पेज ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों एम्प्लॉयज़ रिलेटेड सर्विसेज के लिए हम सर्विसेज के ऑप्शन पर चलते हैं और यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पर फॉर एम्प्लॉयज़ का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम फॉर एम्प्लॉयज़ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए एम्प्लॉयज़ से संबंधित जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो सारे ऑप्शन ओपन होकर आ गए। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पर मेंबर यूएन और ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से मेंबर ई सेवा पोर्टल ओपन होकर आ जाता है। अभी यहाँ पर दोस्तों हम यूएन नंबर और पासवर्ड के द्वारा हमारा मेंबर ई सेवा पोर्टल पर लॉगिन कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपके पास दोस्तों यूएन नंबर और पासवर्ड नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर से पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर यूएन नंबर है तो आप उसे एक्टिवेट करके आपका पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल दोस्तों हम यहाँ पर हमारे यूएन नंबर और पासवर्ड के द्वारा हम साइन इन कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम साइन इन के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाता है। अभी ई केवाईसी के लिए चलते हैं दोस्तों मैनेज बटन पर और यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर पर ई केवाईसी का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अभी देखिए दोस्तों हमारे सामने जितने भी हमने ई केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो सारे यहाँ पर हमारे सामने ओपन होकर आ गए हैं। कुछ दोस्तों यहाँ पर रिजेक्टेड भी हैं, कुछ अप्रूव्ड भी हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ हमारा आधार कार्ड अप्रूव्ड है और बाकी जो है सब जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे सब रिजेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर रिजेक्ट होने का जो रीज़न है वो भी मेंशन है रिमार्क में। ठीक है, आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल हमारा जो रिजेक्ट हुआ है उसे हम दोबारा से अपलोड करना चाहते हैं। फिलहाल दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर पैन नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर अपलोड किए थे जो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो चुका है। इसका दोस्तों टाइम पीरियड होता है 60 डेज़ का। अगर 60 डेज़ में एम्प्लॉयर के द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो ऑटोमेटिकली ये रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों हम जब भी यहाँ पर ई केवाईसी के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो वो 60 डेज़ के अंदर एम्प्लॉयर के द्वारा अप्रूव किया जाता है। अगर एम्प्लॉयर 60 डेज़ के अंदर वो अप्रूव नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप ई केवाईसी के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जाकर सबमिट करते हो तो आप अपने एम्प्लॉयर को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए, जिससे कि दोस्तों आपका अप्रूवल जल्दी से जल्दी आ जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होने पाएगी। नहीं तो दोस्तों अगर एम्प्लॉयर कोई रिस्पांस नहीं देगा 60 डेज़ के अंदर तो आपका जो रिक्वेस्ट होगा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपका ई केवाईसी कंप्लीट नहीं रहेगा तो आप कोई भी विड्रॉल भी पीएफ पोर्टल के द्वारा नहीं कर सकते। इसके लिए ई केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके विड्रॉल के लिए। ठीक है, तो चलते दोस्तों हमारा ई केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर देखिए हमें बैंक अकाउंट अपडेट करना है तो उसके लिए हम बैंक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर प्रॉपर फिल कर लेते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों यहाँ पर हमें अकाउंट नंबर दो बार फिल करना होता है और दोनों बार हमें सेम अकाउंट नंबर फिल करना होता है। जरा भी आप अकाउंट नंबर मिसमैच इंटर करते हो तो आपको एरर लिखकर आ जाता है। फिलहाल हमने यहाँ पर IFSC कोड भी प्रॉपर फिल कर लिया। अभी वेरीफाई IFSC के ऑप्शन पर क्लिक करके ओके बटन पर क्लिक कर लेते हैं और आगे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके सेव बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP भेज दिया जाता है। अभी OTP को हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। OTP यहाँ पर फिल करने के बाद लेफ्ट साइड में देखिए सबमिट बटन दिख रहा है, उस पर हम क्लिक करके आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया, ऊपर देखिए हमारा जो KYC डिटेल सेव्ड एंड विल बी सीडेड ओनली आफ्टर डिजिटल अप्रूवल बाय एम्प्लॉयर। मतलब कि दोस्तों हमने जो अभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड किए, यानी डॉक्यूमेंट्स का जो डिटेल हमने यहाँ पर अपलोड किया वो डिटेल्स जो है अपलोड हो चुकी हैं, अभी वो वैलिडेट किया जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर शो भी कर रहा है KYC पेंडिंग फॉर अप्रूवल। तो ये 60 डेज़ के अंदर में यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि 60 डेज़ के अंदर एम्प्लॉयर इसे
अप्रूव कर देगा, ठीक है। अगर अप्रूव नहीं होता है 60 डेज़ के अंदर तो ये ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि हमने बैंक अपडेट कर लिया है, तो अभी सेकंड जो डॉक्यूमेंट हमें अपडेट करना है, यहाँ पर हमें पैन नंबर अपडेट करना है, क्योंकि हमारा पैन नंबर भी रिजेक्ट हो चुका था। क्योंकि यहाँ पर रीज़न रिजेक्शन का ये था कि एम्प्लॉयर ने 60 डेज़ के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, ठीक है। तो चलते हैं, अभी हम पैन नंबर अपडेट कर लेते हैं। उसके लिए पैन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं और हमारा पैन नंबर यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। दोस्तों पैन नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर दोबारा से हम टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद फिर से हमें आधार ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो फिर से आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया जाता है। तो दोबारा हम यहाँ पर आधार ओटीपी फिल कर लेते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा पैन कार्ड का डिटेल्स भी अपडेट हो जाता है। यहाँ पर देखिए KYC डिटेल सेव एंड विल बी सीडेड ओनली आफ्टर डिजिटल अप्रूवल बाय एम्प्लॉयर। मतलब कि दोस्तों हमारा पैन कार्ड का भी हमने डिटेल सबमिट कर दिया। यहाँ पर देखिए पैन कार्ड और बैंक अकाउंट दोनों का डिटेल्स यहाँ पर KYC पेंडिंग फॉर अप्रूवल के लिए शो कर रहा है, ठीक है। दोस्तों जैसे ही ये पेंडिंग KYC एम्प्लॉयर के द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है तो ये करेंट एक्टिव KYC के अंडर में शो करने लगता है, ठीक है। और ध्यान रहे दोस्तों, आप अपने एम्प्लॉयर को भी एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए KYC सबमिट करने के बाद, ताकि आपको 60 डेज तक वेट ना करना पड़े और जल्द से जल्द आपका KYC कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।